holds back from me. It flings my likeness after the rest, and true as any of the shadowed winds. It coaxes me to the vapor and the dusk. It departs as air. I shake my white locks at the runaway sun. I effuse my flesh in eddies and drift it in lacy jags. All right, stop there. Vanshika, आपको पिक्चर दिख रही है? Yes, sir. Yes. इसको एक्सप्लेन करो. Elaborate what you see in the picture and interpret it. What can that mean? Because if you come to this very important line, I sound my barbaric yawp over the roofs of the world. I've tried to find this corresponding image for this line. Yes, speak about it. What do you see? Okay, you can have a minute. यस वंशिका, देखो इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है. ये मैथ्स नहीं है. ये मैं आपको डांटूंगा नहीं कि आपने जी गलत फॉर्मूला लगा दिया या गलत डेरिवेशन कर दी. दिस इज इंग्लिश. एज लॉन्ग एज यू डोंट से दैट बर्न द वर्ल्ड लाइक जोकर ऑफ बैटमैन, आई विल नॉट पनिश यू. सो यस, स्पीक अबाउट इट. वेदांश रोहेला, over to you. Sir, in this picture, as we can see, gorilla, or we can say King Kong, sitting on the roof or on the top of a building. Maybe it is somewhere in New York City, and he means to say that he is like he's sitting over the roofs of the world. So it means that it might be the biggest building of the world, and he is doing barbaric yawp. So like वो अपनी आवाज पूरी दुनिया को सुना रहा है. Yes. That how great he is. Exactly, very good Vidit. और कितनी सरल बात है और कितने बढ़िया तरीके से वॉल्ट विटमैन ने बोला. ये एक पोएट जो कि 8वीं क्लास तक नहीं पहुंच पाया, इतना कमज़ोर था पढ़ाई में, वो कैसे अमेरिका का फादर ऑफ पोएट्री बन पाया, कैसे वो एक सेंसेशनल लेजेंडरी पोएट फिगर बन पाया अपनी मौत के बाद. और उनकी किताब वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ पोएट्री है इस समय. आई थिंक ये एक कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बुक से सीखते हो, कुछ चीज़ें गॉड गिवन होती हैं. और मुझे लगता है कि वॉल्ट विटमैन के अंदर जो ये एक बड़ापन था, जो जेनरोसिटी थी, जो उनका एक बड़ा विजनरी पर्सपेक्टिव था दुनिया को देखने का, कि बच्चों को अगर फ्रॉक के बारे में सीखना है तो बच्चों को किताबों से क्यों सीखें. वो उनको बाहर ले गए और ज़मीन पर लेटा दिया और बोला कि आँखें बंद कर सुनो फ्रॉक की आवाज़ें. ये जो एक इनोवेटिव पेडागॉजी आप बोल सकते हो लेके वो आए, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई विटमैन इज कंसीडर्ड अ वंडरफुल नॉट जस्ट अ पोएट बट अ फिलोसोफर. यस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस टेक्स्ट इज अबाउट. यू सी अ किंग कॉन्ग, एंड ऑब्वियसली दिस इमेज इज फ्रॉम अ मूवी, एंड ही सिटिंग ऑन द रूफ टॉप on a skyscraper, and he is confident
He's sitting like a king. And you know, he's also, what is that? That staring in the distance. And he's not afraid. You know, people are judging him. People might say that, oh, you are so ugly. Oh, you are so illiterate. Oh, you are so unrefined. Oh, tumhari to spellings bhi galat hai. He's not bothered with it. He's sitting and he's sounding his barbaric yawp over the roofs of the world. And that's exactly what Walt Whitman chahta hai ke America ka har bachcha. Remember jab ye book likhi gayi thi, America ek gareeb country tha. America ek agricultural country tha. जो अपने आप को ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद भी पूरी तरह से मानसिक तौर पर आज़ाद नहीं हुआ था अमेरिका. और ये बुक ऑफ पोइट्री एक साउंडिंग क्राय था कि अब हमें लंदन, पेरिस, वियना की तरफ नहीं देखना, अब हमें कोलोराडो, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, डिट्रॉइट की तरफ देखना है. जो भी टैलेंट आएगा वो हमारे देश के अंदर से आएगा. और ये एक साउंडिंग क्राय, टैलेंट कैसे डेवलप होगा? पहले तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. तो इट वॉज बेसिकली द होल बुक इज अ बुक ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द इंजीनियर्स, फॉर द आर्किटेक्ट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द मैकेनिक्स, फॉर द राइटर्स ऑफ अमेरिका. दैट बी लाइक दिस किंग कॉन्ग, बी लाइक इट. क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? गलती कर दोगे तुम, बिग डील. एवरीबडी मेक्स अ मिस्टेक. बोरिस जॉनसन को लोग इतना ट्रोल करते हैं, राहुल गांधी को लोग इतना ट्रोल करते हैं, जो बाइडन को लोग इतना ट्रोल करते हैं, तो क्या ये लोग लीडर नहीं हैं? आर दे नॉट स्पीकिंग आउट? येस दे आर स्पीकिंग आउट. इमेजिन बींग लाइक, मैं पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ, लोग तो नरेंद्र मोदी को भी ट्रोल करते हैं, बट वट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट्स नॉट ईजी टू बी अ लीडर. लीडर को हर पॉइंट पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है. थिंक अबाउट विराट कोहली, राइट? इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसको लोग पेनाल्डो बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो उसके ज्यादातर गोल्स तो पेनल्टी से आए हैं, पेनल्टी किक से, राइट? बट मार्क ऑफ अ ग्रेट लीडर इज दैट उनको फर्क नहीं पड़ता के लोग आसपास क्या बोल रहे हैं. दे साउंड दे अ बारबेरिक यॉप ओवर द रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड. आर यू फॉलोइंग मी? 11th A? यस सर. डू यू फाइंड इट इंस्पायरिंग? यस. सो वी विल क्विकली रन थ्रू इट. एंड सुधांशु शर्मा, इफ यू आर देयर, रन थ्रू इट. I am not going to, explain every line. It's not in your syllabus. And ज़रूरी नहीं है आपको पूरी line, हर एक line का मतलब समझो. But मैंने आपको सबसे main point बता दिया है. Yes, Sudhanshu Sharma, read through it once. अरे आया तो था. यश अग्रवाल, न्यू एडमिशन. चलिए बेटा, वंशिका आप ही पढ़ दीजिए. द स्पॉटेड हॉक swoops by and accuses me. He complains of my gap in my loitering. एक उड़ता पंछी, हॉक, गिद्ध मुझे देखता है और मुझ पे सवाल उठाता है, और उसको शिकायत है कि मैं क्यों अपनी बात बोलता फिरता हूँ और घूमता फिरता हूँ. I too am not a bit tamed. I too am untranslatable. I sound my barbaric yawp over the roofs of the world. मैं भी उसकी तरह एक जंगली इंसान हूँ, एक वाइल्ड एनिमल हूँ, और मैं भी उसकी तरह दूसरे शब्दों में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, बट मैं अपनी बात को करता हूँ लाइक अ बारबेरिक यॉर्प, एक जंगली गुर्राहट की तरह
दुनिया की छतों से मैं अपने वर्सेस को अपनी बातों को बोल देता हूँ. द लास्ट कार्ड ऑफ डे होल्ड्स बैक फॉर मी इट फ्लिंग्स माई लाइटनेस ओवर द रेस्ट एंड ट्रू एज एनी ऑन द शैडोड वाइल्ड्स. दिन मेहनत का दिन ख़त्म होने के बाद जो मेरा चेहरा है लास्ट कार्ड मेरे पैरों का मिट्टी मेरे कोनी पे लगा मिट्टी मेरे माथे का पसीना वो आसपास के लोगों पर भी छलकता है और मैं जहाँ जाता हूँ अपने कुछ टुकड़े छोड़ते चले जाता हूँ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आप बाकी बेटा पोम पढ़ सकते हो अपने फ्री टाइम में. आई इनकरेज यू. लेट्स कम टू द सेकेंड पोम नाउ. Yes. Vedanshu Hela, can you see the picture? Yes, sir. Yes. Can you speak a few words about the picture? What is this? Sir, in the picture, we can say a lady is doing scuba diving and she is under the water. There are many fishes around her. Yes, quite true. But what does that say? अगर इसको आप एक metaphorical way में देखोगे तो आप देखिए आप English class में हैं आपने literal explanation दे दिया है but इस word picture से क्या क्या लगता है आपको कि वॉल्ट विटमैन क्या बताना चाहता होगा. अभी खैर हम पढ़ेंगे पोम को बट स्टिल सर आई थिंक वो कहना चाहते हैं कि हमें और मतलब जैसे देख सकते हैं कि हो सकता है जो गर्ल है ये समुद्र में गहराइयों में जा रही हो जिससे देख सके कि और क्या क्या चीजें हैं वहां पे लाइक और क्या क्या राज हैं. तो जस्ट लाइक हमें भी अपनी लाइफ में हर चीज की बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एवरी पॉइंट एट एवरी पॉइंट. यस नाउ यू आर गेटिंग एट द पॉइंट एंड यू सी वन थिंग दैट यू मिस्ड आउट ऑन इज रिस्क. अक्सर एक बड़े एडवेंचर में एक रिस्क भी होता है. अगर MS धोनी अच्छा कीपर नहीं बन पाया होता तो वो रेलवे की जो नौकरी करते थे उससे भी गए थे. उनके पास एक रेलवे की गवर्नमेंट जॉब थी. आज भी एक इंसान से आप पूछोगे लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं एक सिंपल सी गवर्नमेंट जॉब के लिए. गवर्नमेंट में अगर आपको फोटोकॉपी करने का काम मिल जाए ना तो अगला इंसान अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी कर देगा आपसे. हम ऐसे कंट्री में रहते हैं. हाँ जी बिल्कुल. ओह सो मेनी ऑफ यू हैव कम हियर नाउ. सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. अगर आप वो मूवी देखें MS धोनी पे बायोपिक यू नो माननीय और एक लेजेंडरी सुशांत सिंह राजपूत ने वो किरदार निभाया. सो इट्स टॉकिंग अबाउट एडवेंचर. सो व्हेन यू हैव समथिंग अगर आप वही छोटे से तालाब में करते रहोगे और उसमें फर्स्ट आते रहोगे तो आपका ग्रोथ कहाँ होगा. एक बच्चा सेकेंड का बच्चा अगर बोले कि जी मैं जो है मैथ्स में B+ लेके आया हूँ मुझे अब सेकेंड रिपीट करनी है मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ मैं पूरा ईयर रिपीट करूँगा मैं A+ लाऊँगा बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे A+ हैं तो क्या उसके पेरेंट्स ये करने देंगे उसे. यस यस दैट्स फनी. नो बिकॉज द पेरेंट्स नो के बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा. बच्चा सेकेंड का बच्चा किसी भी जैसे तैसे आपने पास करा है सेकेंड फिर आप थर्ड में जाते हो. दैट्स एग्जैक्टली वॉट विटमैन इज सेइंग. ही इज टॉकिंग टू द पीपल ऑफ अमेरिका. रिमेंबर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दिस पोम वॉज रिटन दिस बुक वॉज रिटन जब अमेरिका
यूरोपियन इन्फ्लुएंस से अलग होने की कोशिश कर रहा था। हम भी बात करते हैं ना, हमने औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम रोड रखा, हमने राष्ट्रपति भवन जो हमारा पुराना है उसको अब हम छोड़ रहे हैं, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अब हम ग्रैंड विस्टा प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, नया हमारा लोअर हाउस और अपर हाउस बना है। यस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अवर ओन आइडेंटिटी, कि हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो कानून हैं वो हमारी बनाई हुई बिल्डिंग में बने, एक कॉलोनियल लेगेसी से हम मूव ऑन करें, राइट? समथिंग सिमिलर इज हैपनिंग इन दिस बुक ऑल्सो। वो बोल रहे हैं अपने बच्चों को, अमेरिका के टीनेजर्स को से वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, अपने स्टूडेंट से वो बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि तुमने बहुत समय तक इस छोटे से स्विमिंग पूल में सीख लिया, बहुत छोटे स्विमिंग पूल में छोटे सपने देखकर अपने दिन बिता दिए, और अपनी आंखों के अंदर जो फेविकॉल गिरी हुई है, वॉश द गम फ्रॉम योर आईज। ही सेज कि हम सबकी आंखों के अंदर धूल है, एक तरह का फेविकॉल गिरा हुआ है, और उसकी वजह से हम बड़ा सपना नहीं देख पाते। सो ही सेज टू द स्टूडेंट्स, वॉश द गम फ्रॉम योर आईज एंड देन यू वॉश देम, देन यू विल सी कि तुमने अपने सपने कितने छोटे करे हुए हैं। लोग फोटोकॉपी, सरकारी नौकरी में अगर फोटोकॉपी का काम मिल जाए, चाय पहुंचाने का काम मिल जाए, उसमें भी खुश हो जाते हैं। जी, हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है, क्या काम करता है? फोटोकॉपी करता है। तो छोटा सपना है, थिंक बिग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वॉल्ट विटमैन इज सेइंग। चलिए हम फटाफट उस सेक्शन को पढ़ लें। यस, सेक्शन बी। That's so funny, Keshav. Yes, who is here? Lakshya Tyagi, if you are there. Avni Tyagi, Avni. Avni has a cute doggy on her DP. Avni, beta, aap ye text padhe, ye wala section, jo main highlight kar raha hun. We can select the first one. From here. Sit a while, dear son. Here are biscuits to eat and here is milk to drink. But as soon as you sleep and renew yourself in sweet clothes, I kiss you with a goodbye kiss and open the gate for your egress. Departure for an adventure. Hence, long enough you have you dreamed contemptible little dreams. Now I wash the gum from your eyes. You must have it yourself. To the dazzle of the light and of every moment of your life. Long have you timidly waited, holding a plank by the shore. Now I will you to be a bold swimmer, to jump off in the midst of the sea, rise again, nod to me, shout and laughingly dash with your head. Yes. Sit a while, dear son. And yahan pe hum progressive viewpoint se dekhenge. सन को आप चाइल्ड कर सकते हो, सिट अ वाइल डियर चाइल्ड, मेरे साथ बैठो बच्चे। हेयर आर बिस्किट्स टू ईट, आप देख रहे हैं कि एक सेवन्थ क्लास पास ही है वो, तो आप उनकी वोकैबुलरी भी देखें कितनी साधारण है। हेयर आर बिस्किट्स टू ईट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही रोट इन 1850s। ये जो ब्रैकेट में है, कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है यहाँ पे वोकैबुलरी के लिए, बट You've got to appreciate the simplicity of the man. Here are biscuits to eat and here is milk to drink. जैसे आपकी माँ बोलती है कि बेटा आओ, बहुत समय से पढ़ रहे हो, ये लो दूध का ग्लास पी लो, ओरियो बिस्किट्स खा लो, some very simple, you know, kind gesture. But then he says, but as soon as you sleep and renew yourself in sweet clothes, I kiss you with a goodbye kiss and open the gate for your egress. Egress is For your adventure, hence. पर जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे, तुम ब्रेकफास्ट कर लोगे और तुम अच्छे कपड़े पहन लोगे, तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें फेयरवेल दूंगा, मैं तुम्हें फेयरवेल दूंगा, क्योंकि तुम्हारा एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। तुम बहुत समय तक यहाँ रह लिए और बहुत छोटे सपने तुमने बहुत समय तक देख लिए, अब तुम एडवेंचर पे जाओ। लॉन्ग इनफ हैव यू ड्रीम्ड कंटेम्प्टेबल लिटिल ड्रीम्स, Now I wash the gum from your eyes. I remember
आप लोग मेरे छोटे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। आई रिमेम्बर एक टाइम था मेरी लाइफ में व्हेन आई सेड के बस मुझे एक मैकडॉनल्ड्स में जॉब चाहिए। मैकडॉनल्ड्स में मैं टिक्की बनाऊंगा, मैक आलू टिक्की बर्गर। हैव यू ईटन दोज थिंग्स? यस सर। यस, सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन माई लाइफ। मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई मुझे समझता नहीं था और मैं 17 साल का था आपके जितना। तो मुझे लगा था कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, पढ़ाई मेरे से होगी नहीं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना कम था कि मुझे जेन्युइनली लगता था कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। तो मैं एक बर्गर बना सकता हूँ, मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर सकता हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि मैं कॉलेज नहीं करूँगा, मैं मैकडॉनल्ड्स में जॉब करूँगा और मैं बर्गर्स बनाऊँगा, फ्रेंच फ्राइज बनाऊँगा लोगों के लिए। एंड मेरे मॉम डैड ने बोला अच्छा ठीक है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, तुम वो करो, लेकिन अभी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये कर लेना 2 साल बाद। अभी तुम और कुछ करो, तुम्हें म्यूज़िक बनाना है तुम म्यूज़िक बनाओ, तुम्हें राइटिंग करनी है तुम वो करो, कोई कोर्स करना है फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तुम वो सीख लो, 2 साल और तुम कुछ ना कुछ सीखो, तुम बर्गर 2 साल बाद बना देना। ये मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने भरोसा किया, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन फिर जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो कहीं ना कहीं मेरे में शिफ्ट आया, मैंने बड़ा सोचना शुरू किया और फिर मैं एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ पहुँच गया प्रेसिडियम में 8 साल के सफ़र के बाद। तो यही बात बोल रहे हैं वॉल्ट विटमैन, लॉन्ग इनफ हैव यू ड्रीम्ड लिटिल ड्रीम्स, नाउ आई वॉच द गम फ्रॉम योर आइज। इवन हम बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप्स की हम बात करें तो आप अगर, मैं हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूँ, कोमल अग्रवाल ने अगर कॉमर्स लिया है तो प्रतीक अग्रवाल भी कॉमर्स लेगा। पीयर प्रेशर, वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं हम बड़ा नहीं सोच रहे हैं, हम बहुत छोटा सोच रहे हैं, तुम अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो। सो ही वुड से टू प्रतीक कि तुम वो पढ़ो जो तुम पढ़ना चाहते हो, कोमल से तुम बाद में बात कर लेना जब तुम कॉलेज में आओगे, फिर तुम दोनों का अपना अपना करियर होगा, अपना अपना रास्ता होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगी। नाउ आई वॉच द गम फ्रॉम योर आइज, इट्स ऑल्सो अ मेटाफर। हमारी आंखों में जो कन्फ्यूजन है, वॉल्ट विटमैन ने सीधा सरल शब्दों में बोल दिया कि वो गोंद की तरह है, वो गम की तरह है, फेविकॉल की तरह है, हमारी आंखों में गिरा हुआ है। एंड ही सेज के बच्चे अपनी आंखों को साफ करो, देखो तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हारे सामने जगमगाती दुनिया। नाउ लेट्स कम टू द फाइनल 3 लाइंस। लॉन्ग हैव यू टिमिडली वेडेड होल्डिंग अ प्लैंक बाय द शोर, अगेन अ मेटाफर। वो लाइफ लेसन दे रहे हैं लेकिन स्विमिंग का मेटाफर यूज कर रहे हैं कि छोटे बच्चे की तरह बहुत समय तक तुमने वो फ्लोटर पकड़ के, स्विमिंग कौन कौन सीख चुका है? अवनी त्यागी। यस सर। यू कैन स्विम? यस सर। वेरी गुड। एंड डू यू रिमेम्बर आपने स्विमिंग कैसे सीखी थी? पहले दिन क्या किया था? yes, sir. बताओ सर। एक्चुअली एक को मुझे सिखाया था मुझे स्विमिंग, तो मुझे पहले आती नहीं थी, मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मुझे स्विमिंग आती है, मतलब ऐसे हाथ में पानी घुमाकर मैं बिना पैर को ऊपर उठाकर मैं ऐसी स्विमिंग करती थी। पर जब मुझे फाइनली समझ में आया कि अपनी बॉडी को पूरी छोड़नी है और सांस लेने की कोशिश करनी है, अपनी सांस रोकनी है, तो फिर मैं ट्राई करा अपने पैरों को और हाथों को हिलाने के, और फिर वो आ गई मुझे थोड़ी थोड़ी, फिर सीखती गई हूँ। एंड हाउ ओल्ड वर यू देन? सर 12। यू वर 12? हाँ, यू वर स्टिल वेरी यंग। 12 में तो बच्चा सीख जाता है। मैं 16 साल का था, मैं 11th में था और तब मैंने सीखा था, और मुझे तो 5 दिन लग गए थे, हॉरिजॉन्टल होने में ही 5 दिन लग गए थे, क्योंकि मेरे पाँव ज़मीन से उठ ही नहीं रहे थे, वो उठते तो वापस नीचे आ जाते। तो खैर ये एक एग्जांपल है। सो विटमैन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा, कभी आप देखो अपने सोसाइटी के स्विमिंग पूल में जाके, वहाँ पे 4, 5, 6 साल के बच्चे होते हैं, उनको डर लग रहा होता है, नहीं मम्मी नहीं, नहीं मम्मी नहीं, डूब जाऊंगा मैं,
इंस्ट्रक्टर बोलता है नहीं भरोसा करो, अगर डूबोगे तो हम बचा लेंगे। बच्चा बोलता है नहीं मम्मी नहीं, छोड़ना मत, हाथ मत छोड़ना। जब हम साइकिलिंग करते हैं, पापा पीछे से पकड़े रहो, छोड़ना मत, गिर जाऊंगा मैं। विटमैन बोलता है कि कब तक ऐसा चलोगे। लॉन्ग हैव यू टिमिडली वेडेड होल्डिंग अ प्लैंक बाय द शोर, उस फ्लोटर को पकड़ कर जिंदगी कब तक जियोगे, अपने मॉम डैड के भरोसे पर कब तक जियोगे। अपनी पहचान बनाओ, ही सेइंग, नाउ आई विल यू टू बी अ बोल्ड स्विमर। आई विल पे बेटा यहाँ पे स्ट्रेस है। आई विल यू, इन अदर वर्ड्स ही सेइंग आई एनकरेज यू, आई मैंडेट यू टू बी अ बोल्ड स्विमर। बी बोल्ड जिंदगी में, राइट, टू जंप ऑफ इन द मिड्स ऑफ द सी। ही सेज कि मैं चाहता हूँ बच्चे कि तुम ये फ्लोटर को छोड़ो और तुम ये स्विमिंग पूल को भी छोड़ो, तुम एक बड़े समुंदर में जाओ और वहाँ पर दूर तक तैर के जाओ और वहाँ दूर जाकर अपने बालों को इधर उधर फेंकते हुए, यू कैन इमेजिन अ वेरी सिनेमैटिक विजन हेयर, एक मूवी सीन की तरह, आप मुझे देखो वहाँ से हाथ हिलाओ और मैं यहाँ पर यहाँ से तुम्हारी तरफ हेलो करूँगा, मैं तुम्हें एक्नॉलेज करूँगा। इन अदर वर्ड्स ही सेइंग लुक एट दिस पिक्चर, डेप्थ, जिंदगी में डेप्थ चुनो, चाहे करियर की बात करो, चाहे अपने फ्रेंड्स की बात करो, चाहे रिलेशनशिप्स की बात करो, डेप्थ, गो फॉर डेप्थ। एंड इट्स नॉट ईजी, जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे छोटी छोटी बेबी शार्क्स भी हैं साथ में, एंड मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है विराट कोहली, राहुल गांधी, इवन नरेंद्र मोदी, किसी भी बड़े लीडर का आलोचना होता है, हर दिन होता है, लाखों लोगों से होता है, तो क्या करें, कोई तो लीडर बनेगा ना। इवन जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड राम, उन सब का भी आलोचना हुआ पर उन्होंने हीरोइकली अपना काम करते चला गया, करते चले गए। सो दैट्स वॉल्ट विटमैन फॉर यू। व्हाट डिड यू थिंक? स्टे विद मी अ कपल ऑफ मोर मिनट्स। डिड यू लाइक दिस लेक्चर? Yes, sir. Yes, बेटा, वंशिका, अवनि, यश, वेदांश, कुछ सीखे आप? Yes. हाँ जी, तो यही है, yes, sir, कि आप बड़ा सीखो एंड कुछ करो, छोटा छोटा ही करो। खैर, मुझे पता है पिछले एक दो महीने से ये हो रहा था कि मैं क्यों ड्राइंग करूं, मुझे आर्ट और ड्राइंग का, पेंटिंग का शौक है। मैंने कहा कि यार मुझे कोई देखता नहीं है, मुझे लाइक्स भी नहीं मिलते हैं और इस एज में मैं कोई करियर तो बना नहीं रहा, तो मैं क्यों आर्ट करूं, मैं क्यों ना नेटफ्लिक्स देख लूं एक एपिसोड की जगह दो एपिसोड। पर जब मैंने ये पोम पढ़ी, बी अ बोल्ड स्विमर, तब मुझे लगा कि नहीं, आपको आर्ट करना चाहिए, आपको अपना इंडिविजुअल कैरिज्मा को शो करना चाहिए। Roar your barbaric yawp on the rooftops of the world. Announce your arrival. Vedansh, be a programmer. Avni, be an artist. Okay? And the rest of you also, discover yourself. Bye-bye.